मनुष्य मात्र भौतिक पदार्थों का बंडल नहीं है। हमारे जीवन का निर्माण केवल भौतिक तत्वों के मेल से हुआ होता तो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हम पूर्ण सुखी हो जाते हैं। कोई दुख, कोई क्लेश, कोई पीड़ा मन में न रहते। लेकिन हम देखते हैं शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, जीवन निर्वाह की चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी हमारा मन अशांत है, पीड़ित है। क्यों? क्योंकि हमने मात्र भौतिक विकास को विकास माना। हमने यह नहीं समझा कि हमारा जीवन मात्र भौतिक तत्वों के संयोग से नहीं बना है, किंतु इसके भीतर एक आध्यात्मिक तत्व है। और उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। जीवन भौतिक और अभौतिक आध्यात्मिक दोनों के मेल से खड़ा होता है। भौतिक तत्वों के मेल से शरीर बन गया, लेकिन कब? जब इसमें आध्यात्मिक तत्व जीव का संयोग हुआ। और जब तक जीव इस शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित रहेगा। उसके लिए क्या कर रहे हैं? पहले की अपेक्षा आज भौतिक विकास कितना ज्यादा हुआ है, लेकिन आदमी आज कितनी प्रसन्नता से जीवन जी रहा है। पहले की अपेक्षा आदमी कितना सुखी हुआ है, कितना शांत हुआ है। पहले की अपेक्षा भौतिक विकास जितना ज्यादा बढ़ता गया उतना ज्यादा आदमी अंदर से अशांत और पीड़ित होता गया, क्योंकि वह केवल एक तरफ देखता चला गया, दूसरी तरफ उसका ध्यान नहीं गया, दूसरी दिशा में भी उन्नति करना चाहिए इस पर नहीं सोचा। इसीलिए आज हर आदमी का मन पीड़ित है। जितना
भौतिक विकास जरूरी है, उतना ही आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। आध्यात्मिक विकास के बिना कोई भी भौतिक विकास हमारे मन की पीड़ा को दूर नहीं कर सकता। दोनों को समझना चाहिए। भौतिक दिशा में तो आगे हम बढ़ ही रहे हैं, कैसे पैसा कमाना चाहिए, कैसी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए, इसका ज्ञान तो हमको खूब है, लेकिन आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। इस पर हमने नहीं सोचा कैसे हमारा आध्यात्मिक विकास हो, किस क्रम से हम बढ़ें आगे। सदगुरु श्री विशाल साहेब की एक साखी है, उस पर हम थोड़ा सा विचार करें। गुरु भक्ति का प्रसंग है, मुक्ति द्वार में, मुक्ति द्वार श्री विशाल साहेब का दूसरा ग्रंथ है, उसका पहला अध्याय है सद्गुण शतक। उन्नीस सद्गुणों का उन्होंने वर्णन किया है, उसमें पहला सद्गुण बताया है उन्होंने गुरु भक्ति को। गुरु भक्ति का वर्णन करते हुए वे पहली साखी कहते हैं इष्ट प्रेम दीक्षा गुरु सेवा ध्यान प्रसन्न मुदित बितावे रात दिन गुरु रुख साध अमन। पहली बात इष्ट प्रेम, हर आदमी को अपने एक इष्ट का चुनाव करना चाहिए, एक पूज्य का चुनाव करना चाहिए। आपको जहां श्रद्धा हो, किसी भी महापुरुष को सभी व्यक्ति इष्ट पूज्य नहीं मान सकते। मानसिकता अलग अलग है लोगों की, रुचि अलग अलग है, तो किसी एक महापुरुष को सभी लोग इष्ट कैसे मान सकते हैं। लेकिन एक हमारा इष्ट चाहिए, पूज्य चाहिए, जहां जाकर हम झुक सकें, जहां अपने हृदय को समर्पित कर सकें। इस पूज्य के प्रति प्रेम, इष्ट के प्रति प्रेम, इष्ट प्रेम। भक्ति का वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा है पूज्येश अनुरागो भक्ति। पूज्येश पूज्य के प्रति अनुराग, अनुराग प्रेम श्रद्धा समर्पण, यह भक्ति है। अब हमारा पूज्य कौन हो सकता है, इष्ट कौन हो सकता है। यदि हमारा इष्ट परोक्ष में है
आकाश में, तो उससे हमारी मुलाकात होगी नहीं, तो उससे हम प्रेम कैसे करें, उसके लिए श्रद्धा कैसे रखें, समर्पण कैसे करें अपने आप का। हम कल्पना कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं। इष्ट यदि परोक्ष में है तो उससे हमारी मुलाकात कभी होगी नहीं। वो एक हमारी भावना होगी मात्र, बस। भावना से भी काम होता है, ऐसे ज्यादा अच्छा होता है कि हमारा जो आदर्श हो प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आदर्श प्रत्यक्ष है तो उससे प्रेरणा मिलती रहती है। परोक्ष में एक भावना तो हो सकती है, लेकिन प्रेरणा नहीं मिलेगी, कि परोक्ष इष्ट परोक्ष पूज्य हमें कुछ बताएगा नहीं। योग दर्शन में क्रिया योग बताया गया है। क्रिया योग का अर्थ होता है वह क्रिया जो योग में सहायक हो, जिसके करने से हमारी योग साधना में हमें सहयोग मिले। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, योग दर्शन में कहा गया तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के प्रति समर्पण शरणागति, अब प्रश्न हुआ फिर ईश्वर है कौन, कैसा है ईश्वर। तो कहा गया क्लेश कर्म आशय विपाक परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। जो क्लेश से कर्म से आशय से विपाक से सर्वथा अछूता है वह ईश्वर है। हमारे मन में क्लेश होता है, पीड़ा होती है, हम अविद्या ग्रसित हो जाते हैं, राग द्वेष में पड़ जाते हैं, यही क्लेश है। क्लेश का अर्थ दुख पीड़ा, लेकिन राग द्वेष भी क्लेश है। योग दर्शन में ही पांच क्लेश बताए गए हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं। ईश्वर इनसे मुक्त है, हम इन क्लेशों से ग्रसित हैं। कर्म, हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे शुभाशुभ कर्म करते हैं, ईश्वर इससे मुक्त है। कर्म करते हैं तो उनके संस्कार हमारे अंतःकरण पर पड़ते हैं। अच्छा कर्म करे तो, बुरा कर्म करे तो संस्कार तो होता है। ईश्वर कर्म नहीं करता है तो आशय ही नहीं है। आशय मतलब कर्मों का समुच्चय, संस्कार संग्रह। ईश्वर इससे मुक्त है। अब जब कर्म करेंगे, कर्मों का संस्कार पड़ेगा तो विपाक भी तो होगा, उनका फल भोग भी तो होगा। ईश्वर कर्म ही नहीं करता किसी के लिए तो वो कर्म फल भोग क्यों करेगा।
तो क्लेश कर्म आशय विपाक, इन चारों से जो सर्वथा अछूता है वह ईश्वर है। वह भी पुरुष विशेष मात्र है। पुरुष मतलब चेतन जीव, विशेष पुरुष है। शरीर बंधन में आने वाले पुरुष सामान्य पुरुष है। ये कर्म क्लेश आशय विपाक से ग्रसित है, ईश्वर इनसे अछूता। एक आदर्श दिखा दिया गया योग दर्शन का। ईश्वर न सृष्टि बनाता है, न अवतार लेता है, न किसी पर कृपा करता है, न किसी पर क्रोध करता है, न किसी को कर्म फल भोग देता है, मात्र एक आदर्श। देखो ईश्वर ऐसा है, तुम्हें ऐसा बनना है, मात्र एक आदर्श है। पूरे योग दर्शन में 195 सूक्त है, कहीं भी ईश्वर को सृष्टिकर्ता, कर्म फल भोग देने वाला या अवतार लेने वाला, भक्तों पर कृपा करने वाला नहीं कहा गया है। एक आदर्श। योग दर्शन के भाष्यकारों ने भले उसकी व्याख्या करते हुए कह दिया हो कि ईश्वर सृष्टि बनाने वाला, लेकिन मूल योग दर्शन में ऐसा कहीं नहीं है। तो मैं कह रहा था कि वो यदि हमारा इष्ट परोक्ष में है तो उसे हमारी मुलाकात नहीं होगी तो प्रेम क्या करेंगे। हमारा इष्ट प्रत्यक्ष होना चाहिए, हमारा पूज्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। और वो कौन हो सकता है? निर्मल जीवन संत सदगुरु, कहीं के भी हो, किसी मत पंथ संप्रदाय के, निर्मल जीवन हो, चरित्रवान वैराग्यवान, बस। तो एक इष्ट का चुनाव इस शुरुआत है पहले, जिसे हम पूज्य मान सके। और फिर उसके लिए प्रेम श्रद्धा। क्यों? जिसके लिए हमारे मन में प्रेम होता है उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है। जिसके लिए अत्यंत प्रेम है उसकी गलत बात भी प्यारी लगती है। और जिसके लिए प्रेम नहीं है, द्वेष है, उसकी अच्छी बात भी बुरी लगती है। एक नियम है, प्रेमी के भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे। त्रिविशाल साहब ही कहते हैं कि यदि अपने प्रिय के लिए मन में सच्चा प्रेम है तो प्रिय के आचरण, प्रिय की बात अच्छी लगेगी। ज्ञान वैराग्यवान संत गुरुजनों के प्रति हमारे मन में प्रेम है, श्रद्धा है, तो उनकी बात अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो जीवन में आचरण होगा, प्रयोग होगा, हम सुखी हो जाएंगे। संत गुरु के प्रति हमारे मन में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, लेकिन उनकी बात अच्छी नहीं लगती। जैसा वे कहते हैं वैसा जीवन नहीं जीते। तो प्रेम कहाँ है? दिखावा है। भक्ति, सच्ची भक्ति का अर्थ, सच्ची श्रद्धा का अर्थ, सच्चे प्रेम का अर्थ क्या है? संत और गुरुजन जो आदेश दे रहे हैं, ज्ञान की बातें कह रहे हैं, उनका जीवन में प्रयोग करना, वो बातें प्रिय लगना, और ऐसा नहीं है। गुरुजी आपके लिए मेरे मन में बड़ा प्रेम है, बड़ी भक्ति है, आपकी याद आते ही मन खुश हो जाता है, और गुरु बैराग की बात कहते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है,
कहाँ मन है प्रेम है भाई, ये सच्चा प्रेम तो नहीं हुआ। सच्चे प्रेम, सच्चा प्रेम चाहिए। तो पहली बात है इष्ट प्रेम, इष्ट के प्रति अनुराग प्रेम। दूसरी बात दीक्षा गुरु, गुरु से दीक्षा, जो इष्ट होगा वह गुरु भी होगा। प्रश्न हो सकता है कि जीवन में दीक्षा की क्या आवश्यकता है, क्या दीक्षा लेने मात्र से कल्याण हो सकता है, दीक्षा लेने मात्र से किसी का कल्याण न हुआ है न होगा। कल्याण होगा शिक्षा का आचरण करने से। तब प्रश्न होता है दीक्षा की क्या जरूरत। इसलिए जिनकी शिक्षा मानकर, जिनका उपदेश मानकर हम कल्याण पथ में चल रहे हैं, उनके प्रति पूर्ण समर्पण के लिए कहीं तो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां जाकर के हम अपने मन के अहंकार को समर्पित कर सकें, अहंकार को झुका सकें। दीक्षा की क्या जरूरत, किसी को गुरु बनाने की क्या जरूरत, ये कौन कह रहा है? अहंकार कह रहा है। और इस क्या इस अहंकार को लेकर हम कल्याण का काम, आध्यात्मिक उन्नति का काम कर सकते हैं? दीक्षा लेने में हर्ज क्या है? मान लो कोई दीक्षा ली है किसी गुरु से, कई पंथ में है, कंठी माला दी जाती है, पहनाई जाती है, अन्य जगह कुछ और माला पहनाई जाती है, न कुछ और वेद दिया जाता है। कहते हैं कि साहब बात तो ठीक है, लेकिन कंठी माला पहनने में अच्छा लगता नहीं, थोड़ी लज्जा आती है। गुरु जी माला देते हैं, अच्छा लगता नहीं है, लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हाथ में लाल और काला धागा बांधते हो, क्यों बांधते हो? लज्जा नहीं आती उस समय? भ्रम में पड़ करके क्या क्या पहन लेते हो? गले में ताबीज, बाह में ताबीज, कमर में ताबीज, अब पता नहीं क्या क्या। अब आजकल तो देखते हो महिलाएं पैर में काला धागा बांधती है, पहले तो चांदी का गहना पहनती थी ना, अब बांधती काला धागा बांधती है। क्यों बांध रही हो? अब पुरुष भी बांधे रहते हैं यहाँ बाह में आकर के, यहाँ पर इधर यूपी में तो कम दिखाई पड़ता है, लेकिन उधर बिहार गया तो उधर बहुत जगह दिखाई पड़ा, कहीं गुजरात में भी दिखाई पड़ा। क्यों? बाह में लाल काला धागा बांध कर एक ताबीज बांधने से आपको शर्म नहीं आती है? और गुरु ने कोई भक्ति की चिन्ह दे दिया तो पहनने में शर्म आती है? ये अहंकार बोल रहा है। पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं लोग। यदि किसी पुरोहित पंडित ने बता दिया, किसी बड़े तांत्रिक और कोई ज्योतिषी बता दे, कोई बड़ा बैगा प्रसिद्ध बैगा हो वो बता दे कि यदि आदमी 4-5 इंच लंबा और 4-5 इंच ऐसे चौड़ा लकड़ी का पट्टा या चावल का पट्टा आदमी गले में पहन ले, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, आदमी पहन लेगा आराम से, संकोच नहीं करेगा वहां पर। इतना पहनने से ही यदि हमने आएगा तो फिर बीमारी नहीं आएगी जीवन में, तो हर्ज क्या है? जहां लिखा है भ्रम की बात हो वहां तो तुरंत। लेकिन
कल्याण मार्ग में कैसी कैसी लज्जा, दीक्षा मानो शुरुआत होती है। अब दीक्षा किससे लें? आपको जहां प्रेम हो वहां से लो, कोई जरूरी है कि कई पंथ में दीक्षित हो। तमाम मत हैं, तमाम पंथ हैं, तमाम गुरु हैं, जहां आपका मन हो वहां से लो। जहां आपका अहंकार झुक सके, जहां आप अपने को समर्पित कर सके वहां, किसी के कहने से नहीं, किसी की कोई बाहरी प्रसिद्धि देखकर या विशेषता देखकर के नहीं, स्वाभाविक स्वाभाविक श्रद्धा जहां आपकी हो, स्वाभाविक झुकाव आपका जहां हो, वहां से दीक्षा ले। और दीक्षा तो हर जगह है, कहां दीक्षा नहीं है, हर जगह दीक्षा है, हर जगह। रूप बदल गया है, तो दूसरी बात है दीक्षा गुरु। किसी एक संत को गुरु मानकर उनसे भक्ति का कोई वेश, भक्ति का कोई चिन्ह धारण करना दीक्षा है। एक संस्कार मन में पड़ता है कि हम भी किसी गुरु के शिष्य हो गए हैं, अब हमें ऐसी रहनी बना करके जीवन व्यतीत करना है। संस्कार ग्रहण करना भी आवश्यक होता है। दीक्षा गुरु, गुरु से दीक्षा का ग्रहण, सेवा, फिर सेवा। किसकी सेवा? प्रसंग है गुरु भक्ति का, तो गुरु की सेवा। वैसे जिसकी सेवा आप कर सके, जितनी सेवा कर सके अच्छा है। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, बिना सेवा के अंतःकरण कभी शुद्ध हो नहीं सकता है। और अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है तो आदमी प्रसन्नता पूर्वक जीवन कैसे जी सकता है? अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो आप कहीं से कुछ पा नहीं सकेंगे। भूमिका है सेवा, निर्मल चित्त में ही ज्ञान टिकेगा, निर्मल चित्त में ही आत्मानुभूति होगी, निर्मल चित्त में ही शांति का अनुभव होगा। इसलिए सेवा, जब जिसकी जैसी सेवा हो, तन से, मन से, वचन से, धन से, जैसी सेवा हो। कभी स्थूल सेवा करने का अवसर आया, शारीरिक मेहनत करने का, तो वह भी कर लिए। कभी अन्य प्रकार सेवा करने का अवसर आया तो वह भी कर लिए। कुल मिलाकर बात इतनी ही है, सेवा से घबराने वाला व्यक्ति, उसका मन कभी शुद्ध हो नहीं सकता है। कभी शुद्ध नहीं होगा जो सेवा से घबराएगा। सेवा, सेवा करने का अवसर आ जाओ तो साहब कहते हैं प्रसन्न, प्रसन्नता पूर्वक सेवा करना है, खींच करके नहीं। खींच करके करेंगे तो वो सेवा नहीं होगी, वो मजदूरी होगी। खींच करके जब करेंगे तो सेवा नहीं होगी, वह बेगारी होगी। मजदूरी के काम में प्रसन्नता नहीं होती है,
ख्याल करें आप, जब आपको अपने खेत में काम करना करने के लिए जाना होता होगा, आप अपने घर में अपने कमरे में सफाई का काम कर रहे हैं, उस समय आपके मन की दशा कैसी होती है? और जिस समय आप दूसरे के खेत में काम करने जाते हैं, दूसरे के घर में सफाई करने जाते हैं, उस समय आपके मन की दशा कैसी होती? बराबर दशा होती है? जब कोई व्यक्ति दूसरे के खेत में काम करने जाता है, दूसरे के कारखाना में या दूसरे के कहीं अन्य जगह काम करने जाता है, तो काम तो करता है, लेकिन काम करते करते से लगता है, कभी बीच में घड़ी देखता है, अरे अभी तो 10 बजा है, घड़ी बंद हो गई थी क्या बीच में? इतने देर से काम कर रहा हूँ, 1 घंटा हुआ, लगता घड़ी बंद हो गई थी। फिर 2-3 घंटा काम किया, लगता है कि आज सूरज का घोड़ा थक गया है क्या, कि रुक तो नहीं गया सूरज? बहुत मुश्किल हो जाता है। और अपने खेत में काम करने जाता है तो कहता है आज लगता है सूरज भगवान अपने घोड़े को ज्यादा मार रहा है, भाग रहा है घोड़ा ज्यादा। कब दिन बीत गया ऐसा जान पड़ता है। तो बिना मन के आप काम करोगे, बिना प्रसन्नता के काम करोगे, तो बेगारी होगी, मजदूरी होगी, और मजदूरी बेगारी के काम से चित्त प्रसन्न नहीं होगा। चित्त प्रसन्न होगा सेवा से। अब आपकी मर्जी, हमारी मर्जी, हम कोई काम करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं? किसी ने आपको काम करने को कहा, हमें काम करने को कहा, हम सोचते हैं मैं ही कमजोर पड़ता हूं, मैं कुछ कहता नहीं हूं, इसलिए मुझे ही बार बार काम करने को कहा जाता है, मुझे ही दबाया जाता है। देखो और लोग तो बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं कहते? मैं अभी अभी काम करके आया, अब फिर मुझे फिर कहा जा रहा है काम करने को। ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, इनको नहीं कहते? मैं ही बस कमजोर पड़ गया हूं, इसलिए मुझे बार बार कह रहा है। ये भावना आई और इस भावना से हमने काम किया, काम तो किया, संस्कार बिगाड़ डाला, मन बिगाड़ डाला, चित्त को और अशुद्ध बना डाला। भले हमने काम किया, गुस्से में काम किया, खींच करके काम किया, मन बिगड़ा, संस्कार बिगड़ा, सामने वाले पर प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ा। किसी ने मुझे काम करने को कहा, हो सकता है अभी मैं काम करके आया हूं, लेकिन किसी ने मुझे फिर काम करने को कहा, मैं देखता हूं और लोग बैठे हुए हैं, उनको नहीं कहा गया, मुझे कहा गया, मैं ये सोचूं इतने लोगों के रहते हुए मुझे कहा जा रहा है काम करने को, इसका मतलब मुझे योग्य समझा जा रहा है इस काम के लिए, ये मेरा सौभाग्य कि मुझे सेवा का अवसर दिया जा रहा है, ऐसा सोच लें, फिर देखें मन की दशा क्या होगी। हमारा मन ऐसा नहीं सोचता है, हमेशा उल्टा ही सोचता है, इसलिए कभी हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो पाता, हम प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाते। जब कोई आपको काम करने को कहे, हमें काम करने को कहे, तो समझ लें इतने लोगों के रहते हुए भी मुझे कहा जा रहा है, इसका मतलब है मुझे योग्य समझा जा रहा है, इसका पात्र समझा जा रहा है, मुझे सेवा का अवसर दिया जा रहा है अपने आप को ऊपर उठने के लिए। फिर देखो मन कैसा प्रसन्न रहेगा और चित्त का संस्कार कितना बढ़िया बनेगा। सदगुरु कहते हैं सेवा तो करो लेकिन प्रसन्नता पूर्वक सेवा करो,
तब एक प्लेटफार्म तैयार होगा जिसमें आध्यात्मिक विकास का काम सही ढंग से हो सकेगा। फिर ध्यान, किसका ध्यान? गुरु का ध्यान। ध्यान प्रसन्न गुरु का ध्यान। गुरु का ध्यान का मतलब है विवेक वैराग्यवान जो संत है उसका ध्यान। क्यों? जिसका हम चिंतन करते हैं उसके अनुसार से हमारा चित बनता है, शुद्ध और अशुद्ध होता है। कल्पना करो, आप अकेले बैठे हो, अकेले बैठे हुए आपको किसी सुंदरी युवती का ख्याल हो गया और दो चार मिनट आपका मन उसी युवती, स्त्री सुंदरी युवती के चिंतन में डूबा रहा। उस समय आपके मन की जो दशा होगी उस दशा में, और दूसरे कल्पना करो अकेले बैठे हो आपको अपने गुरु की याद आ गई और गुरु की याद में आपका मन 10 मिनट तक डूबा रहा, उस समय जो मन की दशा होगी कितना अंतर होगा दोनों में? क्या दोनों में जो चित्त की दशा होगी, एक युवती कामनी के चिंतन करने में और गुरु के चिंतन करने में, दोनों में मन की जो दशा होगी और एक जैसी होगी? जमीन आसमान का अंतर होगा। कामनी की याद आएगी, काम वासना से मन भर जाएगा, शरीर मन सब उत्तेजना से भर जाएगा। गुरु की याद आएगी, उत्तेजना शांत, मन शांत, लगेगा कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया। इसलिए कहा जा रहा है गुरु का ध्यान। गुरु मतलब चरित्रवान, आचरणवान। कोई यहां व्यक्ति विशेष गुरु की बात नहीं है, वैराग्यवान, ज्ञानवान, निर्मल जीवन। संत महंतों सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाचा हुई। ऐसे संत महंत का स्मरण करो जो काल की फांसी से बचे। काल की फांसी से बचने का मतलब वासना से जिनका जीवन ऊपर उठा हुआ है। चित्त को एकाग्र करने के लिए वैराग्यवान संत गुरु का ध्यान करना भी सहायक होता है। आपका मन नहीं रुक रहा है, बहुत चंचल है, आप भावना करो कि मैं गुरु के पास बैठा हुआ हूं, गुरु मुझे समझा रहे हैं। देखोगे बाहर की बातें भूलती चली जाएगी, गुरु के प्रेम में मन डूबता चला जाएगा। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए बहुत सारे साधन बताए हैं। उनमें उन्होंने एक साधन यह भी कहा है, वितराग विषयम वा चित्तम। वा मतलब अथवा। जो वितराग पुरुष हैं उनको अपने चित्त का विषय बनाओ। विषय मतलब आधार। जैसे हम लोग पिछले दिनों में श्वास को आधार बना करके काम कर रहे थे, श्वास को विषय बनाए थे, ऐसे ही मर्त्य पतंजलि कहते हैं कि वितराग विषयम वा चित्तम। वितराग पुरुष को चित्त का आधार बनाओ। वितराग पुरुष के बारे में जितना सोचते जाएंगे उतना धीरे धीरे मन का जो राग है वो घटता जाएगा। राग घटेगा, चंचलता घटेगी, चंचलता घटेगी, बाहर की बातों की याद कम होगी, चित्त एकाग्र हो जाएगा। इसलिए ध्यान, गुरु का ध्यान। यहाँ ध्यान का मतलब है चिंतन, स्मरण। या अकेले बैठ जाओ, बस गुरु की स्मरण करो। तनाव में डूबा हुआ है मन, परेशान हो रहा है मन दुख से, किसी चिंता में डूबा हुआ है, गुरु की याद करो। उस समय देखो
अकेले बैठना, किसी बात को लेकर के मन शुद्ध है, उत्तेजित पीड़ित है, अकेले बैठकर गुरु की याद करना, गुरु सम मूर्ति की याद करना, गुरु की जो करुणा है उसकी याद करना, गुरु का जो ज्ञान वैराग्य उसकी याद करना, आपको उत्तेजना, आपके मन के शुद्ध होना थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। आप प्रयोग करके देखिए, मेरे कहने से बात ना नहीं मानना है आपको, आप प्रयोग करो, ये सब ये सारी बातें प्रयोग करने की है। सेवा, ध्यान, प्रसन्न, प्रसन्नता पूर्वक गुरु का ध्यान, चिंतन, मुदित बितावे रात दिन गुरु रुख साधे, गुरु के रुख को साध कर प्रसन्नता पूर्वक रात दिन व्यतीत करना, गुरु की मंशा क्या है, गुरु की आज्ञा क्या है। सीधी बात है, गुरु आज्ञा के अनुसार काम करते हुए रात दिन जीवन व्यतीत करना, गुरु आज्ञा के अनुसार से काम करना। वो भी यहां भी साहब कहते हैं मुदित, मुदित मतलब प्रसन्नता, प्रसन्न। गुरु आज्ञा का पालन तो करते हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं है मन में, तो संस्कार अच्छा नहीं बनेगा। साहब कहते हैं तुम गुरु के रुख को समझो, किस काम को करने से, किस व्यवहार करने, किस रहने, किस आचरण में चलने से गुरु प्रसन्न होंगे, इसको सोचना है। गुरु के हम बाहरी सेवा तो कर रहे हैं, गुरु के लिए भोजन बना देते हैं, गुरु के कपड़ा धोते हैं, गुरु के बर्तन मान देते हैं, गुरु के अन्य और काम कर देते हैं, अच्छा है, जिनको ऐसा अवसर मिलता है वो सौभाग्यशाली है कि गुरु के निकट रहने का अवसर आ रहा है, शारीरिक सेवा करने का अवसर आ रहा है, मिला हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन हम गुरु की बाहरी सेवा तो कर रहे हैं लेकिन गुरु की जो आज्ञा मानने में मन कचवाता है, गुरु ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार जीवन जीने में कठिनाई का अनुभव करना है तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। गुरु की पूजा भी कर रहे हैं और गुरु से लड़ाई भी कर रहे हैं। गुरु ने कुछ मांग दिया तो मन दुखी हो गया, ये नहीं चलने वाला है। गुरुदेव जी बताया करते थे, इधर की बात है, उत्तर प्रदेश की उत्तर तरफ की, एक पंडित जी थे तो एक महात्मा से दीक्षित थे, और महात्मा जब उनके घर जाते थे तो उनकी सेवा करते थे, क्योंकि गुरु हैं, गुरु की सेवा तो करेंगे करेंगे। लेकिन आगे चलकर उन दोनों गुरु शिष्यों में कुछ विवाद हो गया। अब विवाद कुछ ऐसा बढ़ा होगा, कुछ रुपये पैसे जमीन को लेकर के विवाद ऐसा बढ़ा कि मुकदमा चलने लग गया दोनों में। गुरु महाराज जाते थे उनके यहाँ तो वो पैर धोते थे, चरणामृत लेते थे, पैर दबाते थे, सिर दबाते थे, भोजन भी करते, लेकिन मुकदमा भी लड़ते थे गुरु से। मुकदमा चलता रहा तो किसी ने कहा, अरे तुम कैसे भगत हो, कैसे शिष्य हो, गुरु से मुकदमा लड़ रहे हो, उसी गुरु के पैर भी दबाते हो, उसी मुकदमा भी लड़ते हो। तो उन्होंने कहा, ये भैया देखो, हम गुरु के शिष्य हैं, हम गुरु के पैर जरूर पूजेंगे लेकिन समय आएगा तो गुरु के सिर में एक चप्पल लगा भी देंगे, तो ये कोई भक्ति तो नहीं हुई। साहब कहते हैं मुदित बितावे रात दिन गुरु रुख साधि अमन, गुरु के रुख को साध कर, गुरु की मंशा को देकर,
गुरु ने जो जिस रहनी में जीने के लिए कहा है उस रहनी में जीवन पर्यंत रात दिन व्यतीत करना, ये आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। और फिर अंत में अमन, अमन का अर्थ होता है शांत, लेकिन यहां अमन का अर्थ है मन रहित होना, तात्पर्य है निष्काम होना, अपने मन के कहे में न चलना। हम लोग अपने मन के अनुसार कहे में चलना चाहते हैं। अमन का अर्थ होता है अपने मन को गुरु के मन बना लेना, या गुरु के मन को अपने मन बना लेना, अपने मन को मार के वैराग्यवान में लीन, ये भी श्री विशाल भी कहते हैं, अपने मन को मार करके अपने मन को गुरु के मन में लीन कर दो, तात्पर्य निष्काम, मन के कहे में नहीं चलना है। क्यों? कि मन का तो पता नहीं क्या क्या स्वभाव, क्या क्या हमारा मन बदलता रहता है। मन के बहुतक रंग हैं, छन छन बदले सोए, एक रंग में जो रंगे ऐसा बिरला कोई, सदगुरु कबीर कहते हैं। मन के बहुत रंग, बहुत रंग मतलब अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, चाहनाएं। जैसे कहा जाता है ना कि गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट भी मन के सामने फीका है। मन का रंग तो कब बदल जाए, क्यों कैसे बदल जाए, कुछ पता नहीं कहा जा सकता, छन-छन बदलने वाला है। और अपने मन पर हम विश्वास किए बैठे हैं, अपने मन पर जितना हम विश्वास करेंगे उतना हमारा मन धोखा देता चला जाएगा। एक रंग में जो रंगे, एक रंग में मन को रंग लिया, ज्ञान के रंग में, वैराग्य के रंग में, भक्ति के रंग में, त्याग के रंग में मन को रंग लिया, आत्म प्रेम के मन के रंग में मन को रंग लिया, साहब कहते हैं ऐसा बिरला कोई, वही वो बिरला ही आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो अमन निष्काम, मन को ज्ञान के रंग में रंग लेना, अपनी कोई चाहना ना करना, तब आध्यात्मिक उन्नति होगी। सदगुरु से विशालता है, इस साखी में हम लोगों को ये बताते हैं कि कैसे किस क्रम से चलकर हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। ये साखी बहुत महत्वपूर्ण है, इष्ट प्रेम, दीक्षा गुरु, सेवा ध्यान प्रसन्न, मुदित बितावे रात दिन, गुरु रुख साधि अमन, मनन करें, जीवन के साथ ही व्यतीत करें, 5-7 मिनट शांत होकर के बैठ जाएं।